1984 के भारतीय फौज के वलों श्री अकाल तख्त साहिब और सचखंड श्री हरिमंदर साहिब उत्ते किए गए हमले नूं सिख तीजे घल्लूकारी वजों याद करते हैं। 38 वरे बीतन तो बाद भी दिल्ली दरबार का कोई तर्क इस जबर का भार नहीं झल सकिया ते ना ही झल सकता है, क्योंकि यह जबर इन्ना वड्डा सी कि इस दे जख्म हाले भी अल्ले जापदे ने। कोई भी सिख जिहड़ा उस वक्त भावें जन्मिया सी भावें नहीं, उस हमले की पीड़ा उस हमले के दर्द नूं अपने अंदर तक महसूस करदा है। उस जबर दे विच जिथे सिखां दे मुकद्दस अस्थानां दीआं इमारतां नूं जख्मी किया गया, ढह ढेरी किया गया, उत्थे ही सिखां नूं जिस्मानी तौर पर खत्म करन दी पूरी कोशिश की गई। जिन्हां ने उस हमले का बहुत डूंघाई दे नाल अध्ययन किया है, वह यह मनते ने इस सिट्टे ते पहुँचते ने कि भारत सरकार ने सिखां दी नसलकुशी करन दी कोशिश की, क्योंकि हमला सिर्फ सचखंड श्री दरबार साहिब जां श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते नहीं होया सी, इन्हां दोवां वड्डे गुरधामां समेत 62 गुरद्वारां ते हमला किया गया सी। 1 जून तो लैके 10 जून तक फौज पंजाब दे वख वख इतिहासिक गुरद्वारां वालियां थावां ते घूमदी रही ते कहर मचाउंदी रही। फौजां अमृतसर दे कई गुरधामां दे उत्ते चढ़ के आईयां। इस दे नाल ही मोगा, सुल्तानपुर लोधी, तरन तारण साहिब, गुरद्वारा दरबार साहिब उत्ते भी हमला किया गया। इतिहासिक अस्थान श्री गोइंदवाल साहिब दे गुरद्वारा बौली साहिब विखे भी हमला किया गया। नौजवान लेखक मलकीत सिंह भवानीगढ़ ने घल्लूकारा जून 84 ते एक किताब लिखी है, जिस विच वख-वख गुरद्वारियां ते हुए फौजी हमलियां दी विथ्या चश्मदीद गवाहां दी जुबानी लिखी गई है। जिन्हां गुरधामां ते हमला किया गया उन्हां दे विच मोगा दे 3 गुरद्वारा साहिब, गुरद्वारा अकालसर साहिब, बीबी कान कौर ते गुरद्वारा सिंह सभा, इसे तरह फिरोजपुर दे गुरद्वारा गुरुसर जामनी साहिब, पातशाही दसवीं बजीदपुर विखे भी हमला किया गया। अमृतसर के मेहता चौंक के गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश से भी हमला किया गया। तरन तारण साहिब के इतिहासिक गुरद्वारा श्री दरबार साहिब विखे भी फौजां पहुँच गई। श्री गोइंदवाल साहिब के इतिहासिक गुरद्वारा बौली साहिब, सुल्तानपुर लोधी के गुरद्वारा बेर साहिब, इस तरह बंगा के पिंड जिंदोवाल के गुरद्वारा चरण कमल साहिब पातशाही 6वीं से भी फौजां चढ़ के आईया सी। रोपड़ दे विच इतिहासिक गुरद्वारा भट्ठा साहिब पातशाही 10वीं कोटला निहंग खान, चमकौर साहिब दे इतिहासिक गुरद्वारा कतलगढ़ साहिब ते गुरद्वारा गढ़ी साहिब नूं भी फौजां ने नहीं बख्शिया। ये नहीं कि इत्थे सिर्फ फौजां दी तैनाती की गई सी, इत्थे गुरु घर दे विच सेवा कर रहे सेवादार सिंघां नूं फड़ फड़ के उन्हां ते अथाह तशद्दद ढाया गया सी। उन्हां नूं जेलां दे विच भी कई थाई रख्या गया। चंडीगढ़ के सैक्टर 19D के गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से भी हमला होया सी। पटियाला के गुरद्वारा दुख निवारण साहिब और मानसा जिले के गुरद्वारा पातशाही 10वीं झंडा कलां से भी हमला किया गया। हरियाणा के जींद 9वें पातशाही का इतिहासिक गुरद्वारा धमधान साहिब से भी हमला किया गया। उतों के चश्मदीद गवाहां ने दसिया कि सने जुत्तियां दगड़ दगड़ करते फौजी अंदर फिरते सी, ते अजिहा सिर्फ इस गुरु घर के ही नहीं बल्कि सचखंड श्री दरबार साहिब समेत तकरीबन सारिया थावां ते फौजां ने मर्यादा का घाण कर दिता सी। सिखां दे चौथे तख्त तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे सुशोभित कई गुरु घरां ते हमला किया गया। तख्त साहिब के अंदर भी फौजां वड़ गईयां सी। मुंगा मस्तुआणा साहिब, गुरद्वारा लिखणसर साहिब, गुरद्वारा मंजी साहिब पातशाही 9वीं ते 10वीं, गुरद्वारा जंडसर साहिब, महलसर साहिब, माता सुंदर कौर ते माता साहिब कौर जी, बाबा बीर सिंह ते बाबा धीर सिंह, भूरा बाबा दीप सिंह, बुरज बाबा दीप सिंह ते गुरद्वारा बेर साहिब छौणी बुढ़ा दल तलवंडी साबो दे इन्हां गुरद्वारियां नूं नहीं छड्डिया। श्री मुक्तसर साहिब के इतिहासिक गुरद्वारा दरबार साहिब विखे भी हमला किया गया। उस वक्त हमले का मुकाबला करने वाले सिंघां कोल सिर्फ छोटियां बंदूकां ही सन। सुल्तानपुर लोधी के गुरद्वारा बेर साहिब तो इलावा गुरद्वारा हट साहिब, संतघाट साहिब, कोठड़ी साहिब, गुरु का बाग, सेहरा साहिब, अंतरयामता साहिब, गुरद्वारा बीबी नानकी जी, गुरद्वारा टिब्बी साहिब, दातन साहिब, डेरा कार सेवा दिल्ली वाले ते डेरा महंत मूल सिंह अमृतसर दे विच भी हमला किया गया। गुरु की नगरी अमृतसर के इतिहासिक गुरद्वारा बाबा अटल राय साहिब, बुंगा रामगढ़िया, डेरा बाबा श्याम सिंह से भी फौजां चढ़ आईयां।
इस दे नाल ही अमृतसर दे विच सुशोभित गुरुद्वारा शेरटा साहिब ते भी हमला किया गया। चंडीगढ़ के जिथे सैक्टर 19D के गुरुद्वारा सिंह सभा दे विच फौजां दी तैनाती की गई, उत्थे ही चंडीगढ़ के सैक्टर 15 के गुरु घर दे विच भी फौजां तैनात सन। संगरूर के गुरुद्वारा ननकैणा साहिब विखे भी फौजां चढ़ के आईआं। उस हमले का गवाह बने कुछ गुरधामां दीआं तस्वीरां असीं तुहानूं मलकीत सिंह भवानीगढ़ की किताब दे विच्चों ही दिखा रहे हैं। तो जिन्हां गवाहां ने ते चश्मदीदा ने उस हमले नूं अपनियां अखां दे नाल देखिया, सारे वाकियां नूं देखिया, उन्हां दीआं तस्वीरां भी इस किताब दे विच दर्ज ने। बहुत सारे गुरधामा ने उन्हां गोलियां दे निशान उस हमले दे निशानां नूं हाले भी सांभ के रख्या होया ते निशान रहिंदी दुनिया तक उस सरकारी जबर की याद दवाउंदे रहिणगे। श्री अकाल तख्त साहिब के सज्जे पासे की खजाना ड्यूड़ी का यह हिस्सा तुसी देख सकते हो, जिसनों इन बिन उस तरह रखिया होया, जिसके अंदर गोलियां दे वड्डे वड्डे मघोरे देखे जा सकते हैं।